श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन धर्म संरक्षणी महासभा भिंड द्वारा संचालित भामाशाह पशु पक्षी आहार योजना समिति जीवदया स्थल का भव्य शुभारंभ 3 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 9 बजे भिंड नगर के हाउसिंग कॉलोनी के निकट गौरी सरोवर पर स्थित चंदू तिवरिया के पास हुआ। 57,13,000 की लागत से बनने जा रहे इस भामाशाह जीवदया स्थल, जिसका भूमि पूजन भिंड विधायक संजीव सिंह संजू द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन मंगलाचरण से की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भिंड विधायक संजीव सिंह, कार्यक्रम की अध्यक्षता दीपक सक्सेना, मुख्य वक्ता नवल शुक्ला, नगर पालिका अध्यक्ष वर्षा अमित वाल्मीकि, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा केशव सिंह भदौरिया, बीरेन तिवारी, यश जैन पार्षद, सुनील वाल्मीकि, हेमू राहुल जैन पार्षद, सिद्धा बड़े कुशवा पार्षद, ओम विकास बाबू पार्षद सहित अन्य पार्षदगण सम्मानीय नागरिक मौजूद रहे। मंच संचालन दिनेश जैन एडवोकेट दीपचंद जैन शिक्षक द्वारा किया गया। कार्यक्रम आयोजनकर्ता भामाशाह पशु पक्षी आहार योजना समिति श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा। कार्यक्रम में आयोजित सभी मान्यवरों का आभार वंदन किया गया। जो अनुदान है ये हम गो माता को चारा खिलाकर करें। स्थिति यह हुई कि 35,000 रुपए समाप्त हो गए, लेकिन ये कारोबार चलता गया और आज 7 वर्ष अनवरत हो गए। अभी और इन दिनों में हम लोग प्रयास ये करते हैं कि अपने पूर्वजों को याद करना, अपने पुरखों को याद करना, और प्रयास ये रहता है कि अच्छे काम हम करते रहें। और मुझे नहीं लगता कि ये मेरा निश्चित तौर पर सौभाग्य है कि इससे बड़ा और अच्छा काम कुछ हो सके। आज इन दिनों में हम जीव दया स्थल का लोकार्पण कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से और कम शब्दों में अभिनव कहाँ है माय अभिनव जी, उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में और अच्छे शब्दों में सारी बात हमारे बीच में रखी। अच्छी बात क्या, मध्य प्रदेश सरकार ने गायों की जो स्थिति को देखते हुए और किसानों की परेशानी को देखते हुए प्रत्येक पंचायत में गौशालाएं बनाने का निर्णय लिया और मध्य प्रदेश सरकार ने उस पे 30 से लेकर 50 लाख रुपए तक खर्च किए। लेकिन परेशानी क्या है, अगर हम क्षेत्र में जाते हैं देखते हैं तो किसान आज भी परेशान है, गौशालाएं खाली की पड़ी हुई हैं। जब हम उसके पीछे कारण जानने का प्रयास करते हैं तो उसके पीछे का कारण ये है कि जो कुछ भी करे सरकार करे। सरकार ने पैसा दिया, सरकार ने बिल्डिंग बनवाई, सरकार सांकेतिक तरीके से उसके भूस की भी व्यवस्था कर रहे हैं, खाने की भी व्यवस्था कर रहे हैं, सरकार ने लाइट की व्यवस्था की है, सरकार ने पानी के लिए बोरिंग की व्यवस्था की है। लेकिन मुझे लगता है जब तक जन सहयोग इसमें शामिल नहीं होगा तब तक ये प्रयोग संभव नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज से नहीं वर्षों से भामाशाह पशु पक्षी आहार योजना के तहत जो समिति है, जो पुराने रेलवे स्टेशन वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, ना पानी की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था, ना रुकने की व्यवस्था, बहुत कम छोटी जगह थी और एक हमेशा खतरा मर रहा था, रहता था कि कभी भी रेलवे वाले आ जाते थे कि खाली करो, तो ये परेशानी होती थी। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों का मन, आप लोगों की इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत आपने एक नेक काम करते रहे और कितनी भी परेशानी आए आपने उस काम को बंद नहीं होने दिया। जब भी नौबत आई मेरे पास भी आया तो मैंने भी अड़ के मदद की। मैंने कहा ये एक बहुत नेक काम कर रहे हैं, इसको बंद करने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन अब ये बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छी जगह पर, यहाँ पर आपको जगह मिल गई, यहाँ पर